तो व्हाट्सएप गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है हर्ष राजपूत और आप देख रहे हैं रोजमर्रा का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी दुकान में आपके जो सेल्समैन होते हैं उनका कस्टमर के प्रति बिहेव कैसा होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कस्टमर डीलिंग के ऊपर और बातें करेंगे। बहुत सारे टॉपिक हैं मेरे माइंड में कि आपको अपनी टीम को ये बातें सिखानी चाहिए। दोस्तों, क्या होता है कि अगर आपकी कस्टमर डीलिंग अच्छी नहीं होती तो आपका कस्टमर आपसे नाराज होकर चला जाता है और वो कहीं और जाके प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि सबसे बड़ी बात होती है कस्टमर डील कैसे किए जा सकते हैं। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आपको गारमेंट का बिजनेस हो, आप रोटी का काम करते हो, आपकी कन्फेक्शनरी की दुकान हो, आप कोई भी बिजनेस करते हो, बट अगर आपकी कस्टमर डीलिंग अच्छी है तो आप बहुत ज्यादा बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जो आपकी टीम होती है, आपको एक तो अच्छी टीम हायर करनी होती है। देखिए, लोग क्या करते हैं कि सस्ते के चक्कर में कुछ कम पढ़े लिखे इम्प्लॉय हायर कर लेते हैं जो कि एक अच्छी डीलिंग कस्टमर को नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। तो आप वेल पर्सनैलिटी वाले एक अच्छे एजुकेटेड बंदे ही हायर करें। वैसे वो थोड़े महंगे हों, मान लीजिए कि अगर आप एक सेल्समैन रखते हैं वो आपका नॉर्मल 10,000 रुपये लेते हैं, अगर आपको कोई 12-13,000 रुपये में पढ़ा लिखा कुछ अच्छा सेल्समैन मिलता है, अच्छी पर्सनैलिटी वाला मिलता है, तो आप उसे हायर कर लीजिए 10-12,000 वाले को छोड़ के, ठीक है ना। तो 2-3,000 रुपये का कोई फर्क नहीं होता है, बट एक अच्छा बंदा ही आपकी शॉप में होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अब क्या होता है कि आप जब भी कस्टमर डीलिंग करते हैं, देखिए आपका एक तो आईज टू आईज कॉन्टेक्ट होना चाहिए। देखिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। कस्टमर आए, आप उससे ऐसा ना हो रूडली बिहेव करें, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका होना चाहिए। आओ जी, बैठिए, हैंडशेक करिए उनसे, ठीक है ना। तो ये बड़ी छोटी छोटी पॉइंट होते हैं दोस्तों, कोई बताता नहीं है आपको। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो मेरा मानना है कि आपकी बात में वजन बनेगा और आपकी प्रोडक्ट की जो आपकी बात है, बातचीत करने का तरीका है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। कस्टमर आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा। कस्टमर आपकी बातों में इंटरेस्ट कब लेता है? जब आप उन्हें अच्छे से सुनते हैं। कस्टमर जब पूछे, सर और बताइए घर में कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक एक प्रॉब्लम, देखिए आप ना कस्टमर के लिए, देखिए सबसे पहला इंप्रेशन आपका होगा, आपका स्माइलिंग फेस। कस्टमर आपसे मिलता है, हैंडशेक करता है, आपका स्माइलिंग फेस देखता है, वो प्रोडक्ट नहीं देख रहा होता है, सबसे पहले तो आपकी डीलिंग देखता है, आप उसका वेलकम कैसे करते हैं। जैसे ही कस्टमर क्या होता है, कई लोग क्या होता है, मैंने देखा है, मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, कोई भी देखो हम तो एक ब्रेक भी नहीं लेते और जो मैं बोलता हूँ फट 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 कंटिन्यू बोलता हूँ दोस्तों, कोई कॉपी भी नहीं बता रहा आपको, कोई कहीं से किताब से देख के भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो मेरे माइंड में बातें हैं और जो मैंने ऑब्जर्व की हुई है और प्रैक्टिकल करते हैं वही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बहुत सारे लोग मैंने देखा है क्या गलती करते हैं, कस्टमर डीलिंग के टाइम वो बैठ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, आप बैठे होंगे, फोन चला रहे होंगे और कस्टमर आ गया आपकी दुकान में, जैसे ही डोर खोल के वो एंटर करता है और आप उसका वेलकम नहीं करते, आओ जी बैठो, है ना। ऐसी तो वेलकम वाली कोई वर्डिंग नहीं होती, गुड मॉर्निंग सर कैसे हो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून, जो भी आपका होता है उस तरीके से उसका वेलकम करिए। नमस्ते कर सकते हो, नमस्ते करिए, आदाब, सत श्री अकाल, जैसे भी आपको लगता है आप उस तरीके से कस्टमर का वेलकम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर कई लोग क्या होता है बैठे होते हैं वो उठते नहीं अपनी जगह से, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी आपके पास कस्टमर आता है तो आपका स्माइलिंग फेस और आपको एकदम खड़े होकर उसका वेलकम करना चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो कोशिश ये करिए कि आपकी जितनी भी टीम होती है स्टैंडिंग रहे, क्योंकि तो जो भी काम होता है ना स्टैंडिंग में, जैसे कि आप कस्टमर एकदम से एंटर करता है, आप खड़े होने में भी जो टाइम लगाएंगे वो आपका बच जाएगा। एकदम से खड़े हों और आप एकदम से आओ जी ऐसे या वेलकम जी आइए सर, तो ये बहुत ही जबरदस्त इंप्रेशन होते हैं। छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, क्या होता है कि देखिए बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है। छोटे छोटे अच्छे अच्छे गुड पॉइंट अगर आप कस्टमर को देते हैं ना तो उससे आपको बहुत अच्छे फीडबैक मिलने वाले हैं। कुछ और भी बहुत सारी बातें होती है दोस्तों, अगर ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग बताई है, ये हमारा होता है स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्माइलिंग फेस, आई टू आई कॉन्टैक्ट, हैंडशेक करते हैं, आप उसका वेलकम करते हैं और वेलकम करने के बाद दोस्तों आप कस्टमर को सुनते हैं। आप पूछते हैं सर हाँ जी बताइए आपको हम क्या दिखाएं, वो बताते हैं। अगर मान लीजिए आपका, मान लीजिए कि गारमेंट का बिजनेस है, देखिए हमारा गारमेंट का बिजनेस है तो मैं गारमेंट के बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आपका जो भी बिजनेस है आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। देखिए हम उससे पूछेंगे सर आपको क्या दिखाएं, ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि आपको हमें जीन्स देखना है जी, तो आप कस्टमर को थोड़ा सा पूछिए कि सर देखिए आजकल हमारे पास बहुत सारे जीन्स चले हुए हैं, ठीक है ना, हमारे पास कंफर्ट पैटर्न, नैरो, स्लिम पैटर्न, हर तरीके के जीन्स मिल जाते हैं, आपको किस तरीके के जीन्स हम दिखा सकते हैं। तो आप कस्टमर की थोड़ी भावनाएं समझिए, उन्हें क्या चाहिए, क्या आप उनकी नीड के हिसाब से उन्हें कैसे कलर चाहिए, थोड़ा उनसे पूछिए कि आपको कलर कैसे पसंद है, थोड़ा उनकी नीड को समझने की कोशिश करिए। डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल के मत दिखाइए, कस्टमर को जो चाहिए दोस्तों आप उसकी डिमांड को पहले समझिए,
उनकी बात को सुनो, पहले उनसे सुनो, समझो वो क्या चाहते हैं, क्या आपके पास वैसा कुछ प्रोडक्ट है, कस्टमर को जो चाहिए अगर वो नहीं मिल रहा है, क्या आपके पास उसके जैसा कुछ है, तो आप उसे वो भी दिखा के अपना आउटपुट ले सकते हैं। देखिए मेरा एक एक्सपीरियंस है कि कस्टमर हमारे पास दोबारा दोबारा क्यों आते हैं। देखिए प्रोडक्ट की वो बात बाद में होती है, आपका उससे डील करने का तरीका, ठीक है ना, अभी कैसा है वो आपके डीलिंग के तरीके से कई बार 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 आता है। आप उनसे एक ब्लड रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करिएगा, उनसे बारे में पूछिएगा कि सर आप क्या करते हैं, आप स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हो, आपके घर में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं। तो जब आप किसी से इस तरीके से बात करेंगे तो वो आपकी बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और आपको बहुत सारा कुछ सीखने को भी मिलता है उनसे, ठीक है ना। ऐसे ही सेम हम करते हैं, आप भी ऐसा कुछ करके कस्टमर डीलिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं, देखिए दोस्तों जब आप कस्टमर को अच्छे से डील करते हैं तो वो खुद, एक तो आपका खुद वो कस्टमर बन जाता है, बल्कि वो और लोगों को भी रिकमेंड करता है आपके बिजनेस के बारे में। बहुत सारे लोग दोस्तों जब आपकी दुकान में विजिट करते हैं, देखिए हमेशा आपकी दुकान में ऐसे लोग नहीं आएंगे कि वो प्रोडक्ट आए और खरीद के चले जाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपके पास आएंगे वो प्रोडक्ट देखेंगे और वो बिना खरीदे ही आपकी दुकान से चले जाते हैं। तो दोस्तों उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि आपको देखना है, आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना है आपने, आपको बुरा नहीं मानना है, वो ले ना ले, वो देखे ना देखे, वो उनकी मर्जी है। कस्टमर क्योंकि आज के टाइम में राजा है, आप उन्हें इतने अच्छे से दिखाइए, आप उन्हें इसे इतने अच्छे से बताइए, वो ले ना ले इससे कोई मैटर नहीं होता, ये मैटर ही नहीं करता, पर आप उन्हें अच्छे से दिखाएंगे वो लेने वाले ही हैं, ठीक है ना। वो आज नहीं लेके जा रहा दोस्तों, कल लेके जाएगा, पर आपका उसके प्रति विनम्रता आपके अंदर होनी चाहिए। एकदम ये ना हो, आपके लोग, तो मैं बताऊं ना आपको कि लोग तो बच्चों के साथ कड़ा दिखाएंगे नहीं, उनको बच्चे खड़े रहेंगे, बच्चे कुछ परचेज करने आएंगे उनको दिखाते ही नहीं है, उनसे अच्छे से बात नहीं करते, बुढ़े आ जाते तो उनसे थोड़ा बदतमीजी से बोल देते। देखिए आपकी दुकान में कोई भी आता है, बच्चा बूढ़ा औरत या कोई जवान हो, ठीक है ना, आपको सभी को रिस्पेक्ट देनी है और विनम्रता से प्यार से उनसे बात करनी है। और खास तौर पे मैं लड़के लोग जो यंग हैं वो बिजनेस करते हैं उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लड़कियाँ या माताएं बहनें आपकी दुकान में आती हैं तो उन्हें जो आपका देखने का तरीका होना चाहिए वो बिल्कुल ही वैसा होना चाहिए जैसे अपने आप घर में अपनी माता बहन को देखते हैं, ठीक है ना। एक ऐसी नज़र आपकी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कई क्या क्या होता है ना, कस्टमर आपकी दुकान में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, देखिए कस्टमर आपसे क्यों लेगा, कुछ आपने अंडरगारमेंट्स भी रखे होंगे तो वो क्यों आपसे घुल मिलेगा, क्यों बताएगा वो आपको अपनी बात, ठीक है ना। तो अगर आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करिए कि वहां पे बच्चा भी आ जाए, बड़े भी आ जाएं, और अगर कोई बदतमीजी से आपकी दुकान पे कोई गाली गलौज वाली बात करता है तो प्लीज उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करिए कि सर हमारी दुकान एक फैमिली दुकान है और आप यहाँ पे आके गाली गलौज नहीं कर सकते, अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उन्हें आप बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको एक माहौल बनाना है, आप एक ऐसी दुकान बनानी है जहां पे एक फैमिली की तरह एटमॉस्फेयर हो, अच्छा माहौल हो, जहां पे लोग आके घुटनसी महसूस ना करें, अनकंफर्टेबल फील ना करें, लड़का खड़ा हो चाहे लड़की खड़ी हो एकदम रिलैक्स फील करें वो वहां पे। तो एक ऐसा माहौल, एक ऐसी डीलिंग आपकी होनी चाहिए दोस्तों, सभी के प्रति आपको एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपके दिल में कि कोई कस्टमर, ये रिस्पेक्ट क्यों होती है मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों आपको एक बात समझनी होगी कि कस्टमर एक राजा है ना। आज की डेट में देखिए कस्टमर के पास कितनी सारी दुकानें हैं, मार्केट में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, 15-15, 20-20 दुकानें हमारी मार्केट में है यहाँ पे, उसके बावजूद भी कस्टमर हमारे पास आते हैं। तो हमारा फर्ज नहीं बनता दोस्तों कि कस्टमर जब हमारे पास आते हैं कि हम उन्हें अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट दिखाएं, अच्छे से डील करें, अच्छे से उसे स्माइलिंग फेस रखें, उनसे बात करें, उनकी बात समझें, उनसे कुछ उनकी जो डिमांड है उनके अकॉर्डिंग उन्हें प्रोडक्ट दिखाएं। जब दोस्तों आप कस्टमर के साथ ऐसा बिहेव करना शुरू कर देते हो, यही एक कस्टमर डीलिंग होती है। फिर एंडिंग पॉइंट आ जाते हैं एंड में। देखिए दोस्तों लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो ध्यान दे लेते हैं लेकिन क्लोजिंग पॉइंट पे वो ध्यान नहीं देते। देखिए जब आप भी कभी भी कस्टमर ने मान लीजिए प्रोडक्ट वगैरह खरीद लिए, एंड में आप उनसे हैंड शेक रहे, ठीक है सर अच्छा लगा आपसे मिलके, दोबारा आना, आप आते रहना, कुछ भी ऐसी बातें बोल के उनको एंड में क्लोज कर दीजिए, एंडिंग पॉइंट होते हैं ये। इन बातों का आप भी ध्यान रखिए और इनको अप्लाई करिएगा अपने बिजनेस में। हम तो इन बातों को फॉलो करके बहुत सारे आउटपुट ले रहे हैं और आप भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा।